तो जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप देख रहे हैं लाइव भारत, मैं हूं आपका दोस्त अमर शुक्ला। आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और ये बाजार है हजरतगंज। हमारे साथ कुछ यहाँ पे लोग मिले हैं जो योगी आदित्यनाथ के धरती से हैं। जी हाँ, उनके कर्म भूमि से हैं। आप लोग सब योगी आदित्यनाथ के धरती से हैं क्या? जी जी। तो योगी आदित्यनाथ यानी कि गोरखपुर, वैसे उनकी धरती तो उत्तराखंड है, वहाँ पे वो मठ पे गए और मठ पे उनको माँ बाप ने चढ़ावा, जो भी मंदिर है वहाँ पे प्राचीन मंदिर बाबा गोरखनाथ का। फिलहाल बात करें योगी की, योगी ने गोरखपुर में क्या किया? अगर हम पूरा संपूर्ण देखें तो योगी जी का जो हम समीक्षा करें, वो 5 साल से तो मुख्यमंत्री रहे हैं, 4.5 साल, और इसके पहले वो लगभग 20 साल तक सांसद भी रहे हैं, और उसके पहले उनके जो गुरु थे वो भी सांसद रहे हैं। और गोरखपुर की धरती ऐसी रही है कि जहाँ से सांसद, मेयर, पार्षद, विधायक भाजपा का ही लगभग 35 साल से हुआ कर चला आ रहा है। लेकिन अगर हम देखें गोरखपुर को विकास के दृष्टिकोण से, तो गोरखपुर का विकास कुछ भी नहीं हुआ। योगी जी जब से सांसद हैं गोरखपुर, कुछ भी विकास नहीं हुआ है। अगर योगी जी चाहे होते तो बड़े कद के नेता भी थे, मठाधीश भी थे, विकास कर चुके होते। लेकिन अगर हम थोड़ा 4 लेन उनके जो मंदिर से होते हुए गया उसको निकाल दें, तो गोरखपुर का विकास नथिंग है, कुछ भी नहीं है। गोरखपुर के गलियों में चले जाइए, अभी गोरखपुर के मंदिर के पीछे, उन्हीं के मठ के पीछे रसूलाबाद मोहल्ला पड़ता है, माइनॉरिटी का मोहल्ला है। उस रसूलपुर मोहल्ला है, माइनॉरिटी का मोहल्ला है, वहाँ की नालियाँ जो सीवरेज के सिस्टम पूरा ध्वस्त हो चुकी हैं, घरों में पानी चला जाता है। मंदिर के पीछे की बात मैं कर रहा हूँ, 1 किलोमीटर। आपका नाम क्या? मेरा नाम एडवोकेट संजय मौर्य है। और एक बात और बताना चाहते हैं आपसे, और मंदिर के जस्ट 1 किलोमीटर और आप जाएंगे अगर तो पूरब साइड में तरंग क्रॉसिंग पड़ता है, तो थोड़ी हड़ावा फाटक पड़ता है, वहाँ की एक कॉलोनी है, उस कॉलोनी में लगभग 10 फीट पानी हर साल बरसात में जमा होती है पूरी। इतनी तबाही है गोरखपुर की आप पूछिए मत। सिर्फ अपना कुछ थोड़ा जो सड़क के विकास है, मंदिर से होते हुए 2-4-10 किलोमीटर के विकास हुए, कुछ विकास नहीं है, बहुत दिक्कत है। तो इसका मौर्य परिवार, मौर्य, अभी स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें, आप भी मौर्य हैं, मौर्य चुनाव के आखिरी वक्त खफा क्यों हो गया? पहले खफा नहीं था जी, मौर्य समाज पहले से भी खफा था। क्यों? मौर्य समाज के देखिए ऐसा है ना, भाजपा का जो दांत है वो दिखाने के लिए कुछ और है, खाने के लिए कुछ और है। मौर्य परिवार, मौर्य कुशवाहा सैनी जो परिवार, ये समाज है, एक ही जाति का उपनाम है। ये इनके अधिकारों को भाजपा ने कभी दिया नहीं। एक केशव प्रसाद मौर्य जी थे, उनको स्टूल मंत्री का दर्जा दे दिया। ये बताइए, पिछड़ा नेता था, एक उभरता हुआ नेता था, उसको आप डिप्टी सीएम बना करके एक स्टूल देते हो, उसी के बगल में दिनेश शर्मा बैठते हैं, ब्राह्मण परिवार से आते हैं, उसको आप सोफा देते हो, ठीक है। यही अभी तो राज्यपाल हो गए मिश्रा जी, झांसी के कार्यक्रम में यही केशव प्रसाद मौर्य का हाथ झटक दिए थे कि तुम शूद्र हो, तुम्हारा हाथ कैसे पकड़ सकते हो, ब्राह्मण कि मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण का हाथ एक शूद्र कैसे पकड़ सकते। सियासत कहाँ जा रही है? सियासत अच्छी दिशा में जा रही है। नहीं, हम अब जात पात में सियासत क्यों करते हैं? ये जात बनाई किसने? जात मौर्य ने बनाया, जात सपा ने बनाया, जात बसपा ने बनाया, जात आपने जात बना दी, और कहते हैं जात के नाम पर सियासत क्यों करते हैं? बिना तहसील में जाएंगे ना, फार्म बनने जाएंगे तो जात पूछा जाता है किस कास्ट से हो, जात के नाम पे मंत्री बनाते हो। आरक्षण किसे मिला? जिसको मिलना चाहिए था उसको मिला ही नहीं आरक्षण। मैं बता दूं 69,000 शिक्षक भर्ती में 18,000 में से मात्र 6,000 को ओबीसी, 3,212 सीट दिया गया, और 18,000 सीट ओबीसी का खाली है। योगी जी समान कास्ट, समान मतलब जो जनरल कैटेगरी, योगी की जो राजनीति रही है गोरखपुर में ये अंग्रेजों की राजनीति रही। तो जीते कैसे? मैं तो आपको बता रहा हूँ, इनके जो तोड़ की राजनीति, जोड़ की राजनीति, तानाशाही की राजनीति, हिंदुत्व की राजनीति, बांटने की राजनीति, इस कारण से ये जीते आए हैं। लेकिन इस बार जनता मन बना चुकी है। बसपा सरकार में इतने दुखी की संसद में रो पड़े योगी जी, तो दुखी थे तब? देखिए अब तो उनको एहसास होगा ना, अभी तो रोए थे, आज कितने लोगों को रुलाए हैं वो, कितने लोगों को रुलाए हैं अब 2022 के बाद। अतीक अहमद और हामिद अंसारी, अतीक अहमद और अंसारी अक्सर बड़े यूपी के बड़े चेहरे जेल में, सपा ने तो नहीं भेजा, बसपा ने नहीं भेजा, योगी ने भेजा ना, ये भी गलत है। अच्छा आप ये बताइए, मुख्तार अंसारी तो आपको दिखाई दे रहा है, भाजपा में इतने बड़े बड़े क्रिमिनल बैठे हुए हैं, ब्रजेश सिंह मैच क्यों खेल रहा है?
ब्रजेश सिंह मैच क्यों खेल रहा है? अपराधी क्रिमिनल होकर वो मैच खेल रहा है क्योंकि बाबू साहब है, ठाकुर है, ठाकुर है तो बाहर घूमेगा अपराधी होकर के, और मुख्तार अंसारी जेल में रहेगा, ये कैसा कहाँ करना है बताइए जरा। कानून सबके लिए बराबर नहीं होगा, बराबर है। योगी सरकार में ठाकुरों के लिए कोई कानून नहीं है, जो ठाकुर कहे वही सही, और संविधान जो कहे वो गलत है, कोई मतलब नहीं है योगी साहब। ये गोरखपुर के ब्राह्मणों की हत्या हुई है, ब्राह्मणों की हत्या हुई, दलितों की हत्या हुई, माइनॉरिटी की हत्या हुई, खासकर यादव ब्राह्मण विकास दुबे, क्या हुआ विकास दुबे को ब्राह्मण हुआ वो वाली हत्या, विकास दुबे का क्या, विकास दुबे बताइए, विकास दुबे का हत्या की गई थी तो हत्या था वो बड़ा राष्ट्रभक्त था क्या, ये बताइए संविधान क्या कहता है, अगर कोई अपराधी है तो उसको उसका इनकाउंटर कर देंगे। आप कौन होते हैं, आप मुख्यमंत्री हो गए 5 साल के लिए, आपको पावर है क्या, अथॉरिटी आपको मिली हुई है सजा देने की, इनकाउंटर करने के लिए, कि सजा कानून देगा, संविधान देगा, न्यायपालिका देगी। कानपुर चुप क्यों रहा फिर, क्या लखनऊ क्यों चुप रहा, कैसे आप कह सकते हैं चुप रहा, तो आवाज विकास दिए ना 2022 के चुनाव में कानपुर अपना जवाब दे देगा उनको। योगी जी साइकिल आई, योगी जी जाने वाले, चले बहुत बुरी तरह जाने, क्या कहना चाहेंगे, आपका नाम कहाँ से आए हैं और क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम आनंद है, मैं गोरखपुर से हूँ। गोरखपुर आनंद से है, गोरखपुर से हूँ, गोरखपुर आनंद से है, गोरखपुर अभी तो फिलहाल आनंद से नहीं है। वजह आनंद जी, जो माहौल चाहिए था, जो हम लोग माहौल के बारे में सोचे थे 2017 से पहले, अभी कुछ वैसा नहीं है, जो हम लोग महाराज जी से उपेक्षा पाल रखे थे, अभी कहीं से वो फलीभूति नहीं दिखा हम लोग को। गोरखपुर कह रहा है ये सब, गोरखपुर आप उसे उन्हें एमपी बनाते हैं, सीएम बनाते हैं, और फिर हम बनाते तो हैं, हमको बहुत ज्यादा उम्मीद है उनसे, इसलिए हम लोग बनाए थे उनको, लेकिन अभी फिलहाल उस उम्मीद पे सारी पानी फिरती। चलिए साइकिल चलेगी या कमल खिलेगा? 100% साइकिल चलेगी। गोरखपुर ने मान लिया, ठान लिया? नहीं, गोरखपुर ने पूरा प्रदेश मान रहा है। अच्छा जी, योगी ने कोई विकास काम नहीं किया? नहीं, विकास किया सिर्फ गोरखपुर शहर में विकास उनका दिख रहा है, और अगर बगल अभी इस बार देखिए ये क्या है, ये अभी पूरे इस बारिश में पूरा शहर डूबा हुआ था। कौन सा? गोरखपुर की बात कर रहा हूँ, पूरा शहर डूबा हुआ था। गोरखपुर के शहर के पूरे जितने मोहल्ले हैं, जो पुराने तरीके से बसे हुए थे, सारे नए डेवलपमेंट जो भी थोड़ा बहुत हुए हैं, सड़कें ऊंची होने की वजह से पूरे मोहल्ले में पानी का जल भराव है, जल जीवन बहुत अस्त व्यस्त है। ऐसे पूरी साइकिल डूबके हुए, मोटरसाइकिल। वहाँ के एमपी साहब कौन है गोरखपुर के? जी एमपी कौन है गोरखपुर का? ये रवि किशन जी। रवि किशन से बोलो ना कि करा, ये तो रवि किशन का काम है, जिले का वो एमपी है। क्या रवि किशन जी वहाँ जिले में है, उनको क्या नहीं पता है कि इस कदर जल भरा है? वहाँ पे जा रहे हैं, देख रहे हैं, वो भी देख रहे हैं, उनको भी सही करनी चाहिए ना। पता तो बीजेपी से है रवि किशन जी। रवि किशन फिल्म स्टार, वही रवि किशन? हाँ, वही भोजपुरी फिल्म, भोजपुरी फिल्म। तो फिल्मों में तो बड़े बड़े कारनामे करते हैं, असलियत में कुछ नहीं किया? तो भाई फिल्मी जो रोल होती है वो अलग होती है, यहाँ तो ये तो यहाँ हकीकत में कुछ दिखाना चाहिए, तब ना तब ना वो समाज दिखाते हैं। और सबसे बड़ी बात, साइकिल या कमल? साइकिल। कहाँ से आप? गोरखपुर। सब गोरखपुर वाले आज कब्जा किया लखनऊ में, कहा 22 में गोरखपुर ने पूरा उत्तर प्रदेश कब्जा करेगा। अच्छा, साइकिल। आप लोग बीजेपी पर एक बात उठती है कि एक समाज के लिए वो नफरत करता है, आपको लगता है? विशुद्ध रूप से लगता है, बीजेपी नहीं, बीजेपी का जो पितामह है आरएसएस, जो उसके डीएनए में है नफरत करना। तो जब मुलायम सिंह यादव ने नफरत करना, माइनॉरिटी से नफरत करना, पिछड़ों से नफरत करना, जनजातियों से नफरत करना, आदिवासियों से नफरत करना, महिलाओं से नफरत करना। अच्छा, एक बात बताइए 1992 में जब गोलियां चलाई थी तो मुलायम सिंह यादव ने राम भक्तों से नफरत की थी? अच्छा, ये बताइए, जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में स्पष्ट कहा कि बाबरी मस्जिद जो गिराया गया था वो गलत था, कहा कि नहीं कहा? जजमेंट आपने पढ़ा है, अपराध था। ये बताइए, आप अपराध करेंगे, मस्जिद गिराएंगे, मंदिर गिराएंगे, वहाँ पुलिस प्रशासन मुख रहेगी, मुखदर्शक रहेगी, आदेश नहीं देगी गोली चलाने के लिए? वो कानून के सुरक्षा के लिए, कानून का पालन करने के लिए उस समय जरूरी था गोली चलाना, क्योंकि वहाँ अपराध किया जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में। अच्छा, बताइए, जैसे आप कह रहे हैं सपा सरकार जब रही तो ब्राह्मणों को कहीं ना कहीं सपा ने अपने से अलग कर दिया था? ब्राह्मणों का सम्मान सपा में शुरू से रहा है, कब नहीं रहा है जरा बता दीजिए? माता प्रसाद पांडे को विधानसभा अध्यक्ष बना के भेजा, कितने लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दिया? वो सब मुखौटे रहे, मुखौटे रहे? अच्छा, वो तो मुखौटे हैं, काम सपा कर रही थी। मनोज पांडे को प्रभु सभा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। आपका परिचय? मेरा, मैं निकुंज गंगवार हूँ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ समाजवादी छात्र सभा का। क्या बात, आपका स्वागत है डिबेट में। सवाल एक, योगी सरकार ने क्या किया? योगी सरकार सारे मुद्दों पे विफल रही है, सारे मुद्दों पे। आप गोरखपुर से? नहीं, मैं फरुखाबाद से। फरुखाबाद, तो फरुखाबाद सपा का गढ़ है?
सपा का गढ़ इस समय भाजपा के सारे प्रत्याशी जीते हुए हैं, जितने भी विधायक सीटें जो पांच सीटें हैं पांचों की पांच भाजपा के पास हैं। गंगा एक्सप्रेस वे फरखाबाद होके जा रहा था उसको काट दिया गया, उसको शाहजहांपुर से सुरेश खन्ना जी ने उसको शाहजहांपुर से सुरेश खन्ना को क्या फायदा, ये जो गंगा एक्सप्रेस वे को तो फरखाबाद से गंगा गुजर रही है ना कि शाहजहांपुर से गंगा गुजर रही है, तो गंगा एक्सप्रेस वे में भी घोटाला कर दिया इन लोगों ने। तो गंगा का पानी अमृत, तो ये सब सियासत के आगे सब कुछ झूठा है। भारतीय जनता पार्टी का नाम है भारतीय झूठा पार्टी, वो जो कहते हैं उसके जस्ट विपरीत करते हैं, वो जो कहेंगे उसके जस्ट विपरीत करेंगे। किसानों के तीन काले कानून ये लेके आए और तीन कानून लेने के बाद वापस किया। हम योगी की बात करें, मोदी पे मत जाइएगा क्योंकि आप फरुखाबाद के हैं। योगी जी ने अपने मुकदमे वापस लिए, एक मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के शासन में पहला ऐसा मुख्यमंत्री होगा जिसने अपने मुकदमे वापस लिए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के मुकदमे वापस लिए। ये इनकी कानून व्यवस्था है जिसकी ये बात कर रहे हैं, ये योगी जी का काम है। मौर्य जी के अलविदा टाटा कहने के बाद कुछ फर्क पड़ेगा? स्वामी प्रसाद मौर्य जन जन के नेता थे, अपने समाज के नेता थे। नहीं है और है, है, है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने ही भाजपा की सरकार बनवाई और वो मौसम विभाग के भाजपा के लंका में आग लगाई, भाजपा को उन्होंने खत्म कर दिया, गेम ओवर। तो ये चाल अखिलेश यादव की थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य की षड्यंत्र था? जो अमित शाह की जो पदवी थी कि चाणक्य की नीति है, तो उसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय मौर्य जी ने वो पदवी छीन ली है और अब वो पदवी उनके पास है कि उत्तर प्रदेश के असली चाणक्य माननीय अखिलेश यादव और माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य। आखिरी सवाल, जनता देख रही है लाइव, लखनऊ पांच सालों में योगी के कार्यकाल में कुछ भी बदला है या नहीं? जो विकास की अगर हम बात करते हैं, लखनऊ के विकास की बात करते हैं, तो गोमती रिवर फ्रंट कितना अच्छा बनाया आपने देखा होगा, योगी जी ने उसको बंद कर दिया। जैन क्या वो जनेश्वर मिश्रा पार्क और वो जो संग्रहालय बनाया लोहिया सर से पूछिए सर से। मैं आपने दो तीन सवाल अभी किए कि ब्राह्मणों के लिए भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी ने क्या किया। छोटे लोहिया के नाम से जाने वाले जनेश्वर मिश्रा जो हमारी पार्टी के रीढ़ थे और उस पार्टी में रह करके गरीबों का भला उन्होंने किया और हमारी पार्टी का सम्मान किया, उनको छोटे लोहिया के नाम से नवाजा, आज उन्हीं के नाम इतना बड़ा पार्क, एशिया का सबसे बड़ा पार्क बनवाया। आप कह रहे योगी ने क्या किया, योगी ने यहाँ पर नौजवानों को बेरोजगार किया, योगी ने यहाँ पर महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार किया, योगी ने यहाँ हाथरस वो झूठा है। क्या सरकार कह रही झूठा है? सरकार कह रही है, टीवी चैनल कह रहे हैं, सरकार टीवी चैनल कह रहे हैं, सरकार की रिपोर्ट, टीवी चैनल कह रहे हैं, सरकार की रिपोर्ट कह रही है कि वहाँ पर डीएम सस्पेंड क्यों किए गए थे। अगर वो कानून व्यवस्था नहीं बना कर इसलिए कानून व्यवस्था सबसे खराब रही सरकार की, कानून व्यवस्था के नाम पर फैल रही बेरोजगारी फैलाई, इसने नौजवानों के साथ अन्याय अत्याचार किया। अगर आप समाजवादी पार्टी की बात करते हैं, समाजवादी पार्टी समाजवादी पेंशन दिया, समाजवादी पार्टी ने महिलाओं के लिए 100 डायल दिया, समाजवादी पार्टी ने बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया, समाजवादी पार्टी ने छात्रों को रोजगार दिया, समाजवादी पार्टी ने लैपटॉप बांटे। जो टेक्निकल की बात है, हमारा ये देश है बहुत आगे निकल चुका है, हमारा देश परंपरावादी नहीं उस तरीके से है, हमारा देश एक टेक्नीशियन चाहता है, एक टेक्निकल व्यक्ति चाहता है। चलिए, सब कुछ जब अखिलेश ने दे ही दिया था, हाँ। तो यूपी की जनता इतनी बेवकूफ है या इतनी बिकी है कि फिर योगी को ले आते हैं? सब कुछ किया उन्होंने, हाँ। तो हार क्यों गए? देखिए, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर धर्म की प्रधानता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, प्रधानमंत्री ने क्या कहा बनारस में, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। गंगा की बात कर रहे तभी हम लोग, माँ गंगा ने बुलाया है, गंगा कितनी साफ हुई, माँ गंगा ने आपको बुलाया। आपने कहा क्यों हम फेल हुए, हम फेल इसलिए हुए कि भारत की जनता भी उतनी जागरूक जानकार पढ़ी लिखी नहीं है, इसको गुमराह किया राष्ट्रवाद का चोला पहन करके, हिंदुत्व का चोला पहन करके यहाँ लोगों को गुमराह किया। आप हिंदू है ना? मैं हिंदू हूँ। आप गुमराह क्यों नहीं हुए? मैं हिंदू हूँ। आप क्यों नहीं गुमराह हुए? गुमराह क्यों नहीं हुए? हम कह रहे हैं बहुतायत लोग ऐसे हैं जो इनके चाल में आ गए, इनके बहकावे में आ गए, इनके भड़काने में आ गए। नहीं नहीं, तो मुलायम सिंह को किसने भड़का दिया था, आजम खान को किसने भड़काया था, जब 2017 के चुनाव में चाचा वाहर भतीजा वाहर बुआ वाहर बबुआ वाहर, तब कहां गए थे अखिलेश? भारत का संविधान सबको अभी दल बनाने का, भारत का संविधान सबको दल बनाने का, भारत का संविधान सबको अपनी बात रखने का आजादी देता है। दल बन सकते हैं,
विभिन्नताएं हो सकती हैं, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उसको चलते देश अगर अलग हो गया, देश बदल गया, तो ऐसा आप नहीं करेंगे। एक सवाल आपसे करेंगे, आप देखिए हम आपका बता नहीं, 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 पहले मेरा सवाल है, बाद में जो बचेगा। सियासत कुछ भी कहती है, ऐसा हो सकता है बसपा का हाथ ही कहीं नहीं दिखता, हाथ कहीं नहीं दिखता, समाजवादी पार्टी आती है चित्री सीटें ले जाए, मुझे नहीं मालूम जनता जाने, हो सकता है कि हाथ और हाथी मतलब बहू बबुआ और हाथी हाथ सब एक साथ बीजेपी को एक तरफ ढकेलने के लिए, ऐसा हो सकता है, कबूल है आपको? देखिए राजनीति में कुछ भी संभव है, कबूल है नहीं, राजनीति में कुछ भी संभव है, जब जब भाजपा पीडीपी को अपने साथ ले सकती है, महबूबा मुफ्ती को साथ में ले सकती है, जो आतंकवादियों को प्रोटेस्ट करने वाली पार्टी भाजपा ही कहती थी जी। तो बताइए हम क्यों नहीं ले सकते हैं? कुर्सी प्यारी या देश, कुर्सी प्यारी या देश, पार्टी कोई नहीं, देश। तो आपके जितने भी नेता है सपा के, सबके ये धारणा है देश पहले। हाँ, देश पहले। अच्छा, समाजवादी पार्टी के कितने ऐसे नेता होंगे जो कुछ करते भी नहीं है और कार्डों में खेलते हैं, कहाँ से आ गया पैसा? बीजेपी में भी है, बसपा में भी है, हर सियासी पार्टी में है। इसका जवाब दे सकता हूँ जी, जी। भारत में सबसे ज्यादा चंदा लेने वाली पार्टी फंड अगर किसी के पास है तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। हमारी पार्टी आम किसान मजदूर रोज छात्रों की पार्टी है, और हमारे यहाँ जो चंदा कलेक्ट होता है वो आम आदमी चंदा देता है, ना कि व्यापारी चंदा देता है। हम आम आदमी की सरकार बनाते हैं, ना कि बड़े पैसे वालों की सरकार बनाते हैं। बड़े उद्योगपति, बड़े उद्योगपतियों का चंदा भारतीय जनता पार्टी के पास है, इसलिए आज के सर्वे में आज आप निकलवा लीजिए, भारतीय जनता पार्टी सबसे चंदा लेने वाली पार्टी है। चंदा उसका धंधा हमें नहीं मालूम, हमें तो ये जानता हूँ लखनऊ का विकास, लखनऊ में भ्रष्टाचार मुक्त समाज, लखनऊ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। सपा सरकार ने वो दिया, भ्रष्टाचार खत्म किया या अब है कम हुआ? मुख्तार अंसारी या एक्सवाइजेड जितने गैंगस्टर रहे जेल में है, सपा ने क्यों नहीं भेजा, बसपा ने क्यों नहीं भेजा, योगी ने क्यों भेज रहे, योगी खुद रहे अब रुला रहे। एक आईपीसी की धारा में क्रिमिनल, गुंडा एक्ट में क्रिमिनल क्रिकेट खेल रहा है और वहाँ पे डीएम साहब उसको खिलवा रहे हैं, ये इनकी सच्चाई है कि इन्होंने गुंडे को दूरबीन से देखने की बात करते थे और उसको डीएम क्रिकेट खिलवा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी की तो सच्चाई है। ये बात अखिलेश यादव क्यों नहीं उठाते प्रेस कॉन्फ्रेंस में? नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोला है ये। अच्छा, 10 बार बोला है, कुछ नहीं हुआ। 10 बार बोला है, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का दिमाग ठिकाने आम जनता इस बार लगा देगी। अच्छा, ये जो सड़क पे जो भीड़ निकली है, जो हमारे ये कोरोना काल में बंगाल में चुनाव हुआ, रैलियां हुई और ये डर की वजह से इन्होंने रैलियां बंद कर दी, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली में बैठी सरकार है, तो इन्होंने रैलियां इसलिए बंद कर दी क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के रथ लखनऊ में 4 बजे सुबह पहुंचता है और भीड़ लाखों की संख्या में सड़क पे उतरती है। ये भीड़ बता चुकी है कि हमें बाबा नहीं चाहिए, खाता ना वही, जो अखिलेश यादव का है वही सही। पंडित सिंह के बारे में आप जानते? अब नहीं रहे, अब नहीं रहे, तूती बोलती उनकी। हाँ, और आज गोंडा की बात करें, हाँ, तो वहाँ पे ब्रजभूषण शरण सिंह बीजेपी और बीजेपी का ही कब्जा है। हाँ, गोंडा वाले कह रहे हैं कि हम सपा नहीं यहाँ पे कुछ, अमेठी वाले कह रहे हैं, प्रजापति की बात करें, गायत्री प्रजापति, उनके परिवार से भी हम मिले, तो गायत्री प्रजापति एक कैबिनेट मिनिस्टर ऐसा अच्छा काम करता है वो जेल चला जाता है? ये भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाती है। गायत्री प्रजापति पिछड़े समाज से आते थे और पिछड़े समाज का होने की वजह से उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि कोर्ट में ये बात साबित की गई कि वो शुगर पेशेंट हैं, वो किसी तरीके से कोई भी शारीरिक रिश्ता नहीं बना सकते हैं, उसके बाद भी उन पर झूठा मुकदमा पंजीकृत कर उनको जेल भेजा गया। ये सच्चाई है और जो सरकार बदलेगी, दोबारा जांच होगी, उसके बाद पता चल जाएगा कि कौन सच है कौन झूठ है। सेंगर आपके यहाँ बलात्कारी, जिससे मुख्यमंत्री जी मिलते हैं, चिन्मयानंद अपने कॉलेज में ले जाके लड़कियों से मसाज कराते हैं, सजापुर की घटना है, आपके महिला सशक्तिकरण का और महिला शक्ति जो आप आंदोलन चला रही है बीजेपी, उसमें उसकी सच्चाई ये है कि महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं। हाथरस में हिंदू रीत रिवाज में 5 बजे के बाद अंतिम संस्कार नहीं होता है, ऐसी कौन सी परिस्थिति थी कि डीएम को जाके 5 बजे अंतिम संस्कार कराना पड़ा? ये हिंदुत्व, ये डीएम ने खाया नहीं था, डीएम ने स्पष्टीकरण दिया था कि दंगा भड़क सकता था। नहीं, दंगा आप हिंदू रीत रिवाज से आप उसको कस्टोडियल वहां रख सकते थे, कहीं भी रख सकते थे, आप जिला मुख्यालय ले जाते, कहीं ले जाते, गाँव, इसीलिए डीएम को सस्पेंड किया गया कि आपने गलत किया। डीएम ने ये बोला कि हमें ऊपर से आदेश मिला था,
ये डीएम का जवाब था जब उनको सस्पेंड किया गया था कि हमें ऊपर से आदेश आया था। चलिए बहुत बड़ी बात की है सर, कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं आप बोलिए पूछिए। वही जो यही सवाल है, एक अखिलेश आएंगे सीएम को से संभालेंगे, योगी मंजूर नहीं, यही कहने हैं आप? ये तो पूरा उत्तर प्रदेश कह रहा है, पूरा उत्तर प्रदेश जन जन कह रहा है, पिछड़ा कह रहा है, दलित कह रहा है, छात्र कह रहा है, आदिवासी कह रहा है, एसटी कह रहा है, सब पूरा उत्तर प्रदेश बच्चा बच्चा कह रहा है कि 2022 में अखिलेश ही आएंगे। कन्फर्म है? 400 प्लस सीटें लेके आएंगे, 400 प्लस, 403 है ना। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी खुद भाजपा में टिकट मांग रहे हैं कि कभी कहते हैं अयोध्या लड़ेंगे, कभी कहते हैं काशी लड़ेंगे, कभी कहते हैं मथुरा लड़ेंगे। उनको खुद नहीं पता है कि वो कहाँ लड़ेंगे, क्योंकि उनको जनता से इतना डर आ चुका है कि उनको खुद लगता है कि मैं कहीं चुनाव नहीं जीत सकता। चलिए बहुत बड़ी बात की, हजरतगंज की बात कर रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे सर? आप वीडियो बना रहे थे, आप कौन आएगा? कौन आएगा जी? ये प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है। अब जो तमाम मोर्चों पे भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था अपने घोषणा पत्र में, उन पे खरा नहीं उतर पाई है, और हाशिए के लोग आज भुखमरी के शिकार पे हैं यहाँ का भारत उत्तर प्रदेश का। तो ऐसे में उनकी नीतियाँ विफल रही, चाहे वो सामाजिक हो आर्थिक। चलिए, ये गाड़ी कौन सी है जी? ये BMW है। BMW, ये कौन सी गाड़ी है जी? फॉर्चुनर है। और वो कौन सी गाड़ी है आप कह रहे हैं कि भूखमंगे हो गए यूपी वाले? नहीं नहीं, आप इससे तय नहीं कर सकते हैं कि 10% एलीट से आप उत्तर प्रदेश के जनता का आर्थिक स्थिति को नहीं तय कर सकते हैं। ये आपने कैसे सोच लिया? यहाँ पे गांव नहीं, यहाँ मध्यम वर्ग है, निम्न वर्ग है, ठीक है, अपर क्लास है। तो आप ये कैसे तय कर सकते हैं? अगर सड़क पे कोई कार से चल रहा है तो वो सिर्फ उत्तर प्रदेश की विकास का मानक है। तो सुनिएगा, भुखमरी नहीं कहेंगे, आर्थिक गरीबी कहेंगे, भुखमरी नहीं। कोई भूखा मर रहा है? भूखा मर रहा है। यूनाइटेड नेशन ने घोषणा करा कि उत्तर प्रदेश या भारत में कुपोषित है, तो यानी कुपोषित है। आपको जो समुचित ये डेली कितना कैलोरी चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। 2100 कैलोरी जो आर्थिक पैमाना तय किया गया है तो कमेटी के द्वारा, वो यहाँ पे नहीं मिल पा रहा। सपा की सरकार तो मिल रहा था जी? हमें सपा की सरकार से नहीं मतलब है, उत्तर प्रदेश की जनता सर, उत्तर प्रदेश की जनता। योगी ने नहीं दिया, अखिलेश ने दिया था। ये जिम्मेदारी तय होती है कि आप उन तक वंचित तक अपनी बेसिक जो आधारभूत सुविधाएं हैं वो पहुंचाएं, ठीक है। ये सरकारें इसीलिए होती है, जनता को, ठीक है, आधारभूत सुविधाओं के लिए चुनी जाती है ताकि उन तक मुहैया हो, बिजली पानी सड़क, ठीक है। आज बिजली की हालत देख लीजिए, ठीक है, कि आज बिजली का बिल जो है एक मध्यम वर्ग निम्न मध्यम वर्ग परिवार जो है 2500-3000 रुपए का बिल कैसे दे पाएगा, जबकि उनकी इनकम 4000-5000 है। अब अपने परिवार का पालन पोषण करे या बिजली का बिल दे, और जबकि खरीद जो होती है वो 60 पैसे प्रति यूनिट होती है और आप 7.5 रुपए में बेचते हो, यानी पूंजीपतियों को सीधा सीधा फायदा पहुंचाया जाता है और गरीब वंचित को मुख्य सुविधाओं से वंचित किया जाता है। और जो एक आपसे महत्वपूर्ण बात कहना चाहेंगे कि कोरोना काल के दौरान आपने देखा होगा कि डिजिटल एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन की पीरियड, तो वो अखिलेश यादव सरकार ने जो लैपटॉप देकर, ठीक है, जो डिजिटल डिवाइड गैप था, ठीक है, अपर क्लास में और लोअर क्लास में जो गैप था उसको भरने का काम किया था, ठीक है, लैपटॉप देकर, ताकि गरीब का बच्चा भी वो एजुकेशन पा सके। लेकिन इन्होंने वो योजना को हटाकर इतना अच्छा काम किया आपके अनुसार अखिलेश ने, फिर भी आपकी तो जनता ने हरा दिया उन्हें। जनता ने हरा नहीं दिया, जनता तक हम अपनी नीतियों को सुचारू रूप से पहुंचा नहीं पाए, कहीं ना कहीं हमारी वो महिला है, अध्यक्ष है जी, जी। आइए आइए आइए, इधर ही आइए, सीढ़ी में आइए, चलिए चलिए चलते हैं। तस्वीरें अब और भी खास हो गई है, तो तस्वीरें हम बाहर ही बात करेंगे, अंदर नहीं बात करेंगे, अंदर नहीं आएंगे, बाहर बुला लीजिए। और आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, आपकी ये ड्यूटी है कि भारत को भारत को कहीं ना कहीं लोकतंत्र में जो पत्रकारिता की जो मीडिया मीडिया तो वही कहता है जो सरकार कहती है। नहीं, मैं कहता हूँ जैसे लोग जी आप जैसे लोग हैं, ठीक है, जो जनता की बात को सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं ताकि उनके लिए स्पष्ट नीतियां बन सके और वो क्रियान्वयन हो सके ताकि लोगों को लाभ मिल सके। तो हम उम्मीद करेंगे कि आपने पत्रकारिता के माध्यम से लाइव कर रहे भैया, उम्मीद मत करो, नहीं नहीं लाइव देखो जी, ये भी एक हिस्सा है, ठीक है, समाज में। आपके कौन से आ रहे थे? महिला प्रधान जी आ रही थी अभी थोड़ी देर में, तब तक बात करते हैं। सर आज आप लोग यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने आज बड़े बड़े प्रमोशन बांटे हैं, कई प्रदेश यूथ अलग अलग जिम्मेदारियां दी हैं, तो कुछ जिम्मेदारी नहीं लेके जा रहे गोरखपुर आज? नहीं नहीं, ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं लेके ले आए जी। जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष है समाजवादी छात्रसभा, जय हो। बात रखिए, आप लोग आपको पार्टी ने इतने बड़ा ओहदा इसीलिए दिया है कि आप बहुत अच्छा बोलती है, सही बात है?
देखिए ये तो माननीय राष्ट्रपति जी का आशीर्वाद है और उत्तर प्रदेश के नौजवानों को, युवाओं को आज राजनीति में अगर आगे कोई ला रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ आदरणीय अखिलेश जी लेकर के आ रहे हैं। सरकार तो 5 साल योगी बाबा की रही, अब तो इलेक्शन आ रहे हैं, तो 5 सालों में कुछ नहीं हुआ। देखिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े नारों के साथ यहाँ आई। इन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास, इन्होंने कहा कि हम प्रतिवर्ष 70 लाख रोजगार देंगे, लेकिन ये पूरी तरह से फेल साबित हुई। ना तो ये 70 लाख रोजगार दे पाए, 70 लाख छोड़िए 7 लाख रोजगार पूरे 5 साल में ये नहीं दे पाए। अब उत्तर प्रदेश की जनता के बीच ये क्या मुंह लेकर के जाएंगे? इनके नेता नाराज है, इनके विधायक सांसद मंत्री नाराज है, इनके पास आज प्रत्याशी नहीं है चुनाव लड़ने वाला। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है और 10 मार्च को आदरणीय अखिलेश जी आ रहे हैं। चलिए मैं जानना चाहूंगा आपका परिचय, आपके ही मुखारविंद से, और कहां से हैं आप? जी मेरा नाम नेहा यादव है और मैं समाजवादी छात्र सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। कहां से बिलोंग करते हैं? बरेली, जनपद बरेली। बरेली, बरेली में किसका कब्जा? समाजवादी पार्टी का, पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बहुमत से आ रही है। तो पिछली बार बरेली आपने जीती थी, हार गई थी बरेली? कि भारतीय जनता पार्टी ने जनता को बरगलाया, झूठे और जुमले वादे किए, तो जनता अब जान गई है और अब समाजवादी पार्टी के साथ खुल के आ रही है। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोशल इंजीनियरिंग पे काम कर रहे हैं और सोशल इंजीनियरिंग के साथ साथ हम लोग विकास के मॉडल पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं और चुनाव जीतने जा रहे हैं। योगी का विकास कहीं दिखता है यहाँ से लेके बरेली तक? यहाँ से लेके बरेली तक सिर्फ और सिर्फ अखिलेश जी का विकास दिखता है। यहाँ से लेके दिल्ली तक सिर्फ और सिर्फ अखिलेश जी का विकास दिखता है। चाहे वो 302 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे हो, चाहे जितनी सड़कें हो, लखनऊ में निकल जाइए आप, चारों तरफ अखिलेश जी का दिखेगा। इधर रिवर फ्रंट अखिलेश जी का बनवाया हुआ है, 10-90 अखिलेश जी की दी हुई योजना है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से अखिलेश जी लेकर के आए थे। 55 लाख महिलाओं को पेंशन देने का काम अखिलेश जी ने किया था। तो जितनी तमाम कल्याणकारी योजनाएं अखिलेश जी लेकर के आए थे। 18 लाख छात्र छात्राओं को लैपटॉप अखिलेश जी ने दिया। सड़कों पे आपको जो डायल 100 जिसका नाम बदल दिया गया है, 112 कर दिया है, वो भी अखिलेश जी लेकर के आए थे। 108 102 एम्बुलेंस भी अखिलेश जी लेकर के आए थे। योजनाओं के अगर मैं नाम बताऊं तो कम नहीं है। समाजवादी पार्टी जो काम की है वो काम भारतीय जनता पार्टी ने पूरे 5 साल में उसका 1% भी नहीं कर पाया, ये उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है। इसलिए यूपी का चुनाव अब ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण पे नहीं होगा, विकास पे होगा। विकास पे होगा, बहुत बड़ी बात की विकास पे होना चाहिए, एजुकेशन पे होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात मेरे मन में कोहता हर बार, इतना कुछ किया अखिलेश जी ने, आपके भी समर्थकों ने बहुत कुछ कहा है अखिलेश जी के इस सवाल के जवाब में। अब मैं आपका भी जवाब जान, 2017 में जनता भ्रमित हो गई थी या वादे बड़े लगे, अखिलेश के काम को भुला दिया, अखिलेश को हटा के योगी बाबा को सीएम बना दिया? नहीं, अब जनता जान गई है इनकी असलियत। अच्छा, इनकी असलियत जान गई है जनता। और जिस तरह से इन्होंने दलित पिछड़े शोषित वंचित समाज के साथ अन्याय किया है, धोखा दिया है और भेदभाव किया है, अपमानित किया है, जनता इन्हें 2022 में जवाब देने जा रही है। महिलाओं के प्रति अत्याचार जो सपा के जमाने में थे अब कम हुए ज्यादा। समाजवादी पार्टी की सरकार में 10-90 जैसी योजना इसीलिए लेकर के आए कि इस तरह के जो अपराध हैं, जिस तरह से घटनाएं हैं, उन पे कंट्रोल किया जा सके। बीजेपी मिशन शक्ति लेकर के आई, इनका मिशन शक्ति इतना पास हुआ कि लखीमपुर में महिला की खुलेआम साड़ी खींची गई चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी के लोगों के द्वारा, इनका मिशन शक्ति फेल हो गया। उन्नाव में भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने बेटी के साथ घटना की, उसके पिता का क्या हुआ, उसके वकील के साथ क्या हुआ, पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा। हाथरस की बेटी के साथ अन्याय होता, रात में बेटी जला दी जाती है, वो भी पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा। तो महिलाओं के साथ जितना अपराध उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ उतना कभी नहीं हुआ। स्वयं राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में महिला अपराध नंबर 1 है। शाहजहांपुर में बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री अपने कॉलेज में बैठ के लड़कियों से मसाज कराते हैं, तो ये किस महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और कौन सा महिला सशक्त इन्होंने की है? ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान लेकर के आए, बड़ी बड़ी बातें कही, उसका 79% बजट इन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर लिया और ये कहते हैं कि ये तो हम जन जागरूकता के लिए ले आए थे। भाई बीजेपी का प्रचार करना कौन सी जन जागरूकता है? कौन सी ऐसी इनकी योजना है जो धरातल पे लेकर के आए? मैं लड़कियों में जानना चाहती हूँ आपकी कोई ऐसी 5 योजना बीजेपी का कोई भी नेता बता दे जो धरातल पे इन्होंने काम कर पाया। तो धरातल पे ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी फेल साबित हुई है और उत्तर प्रदेश की जनता इनको, ये जो आपने कहा है साहब, ये जो आपने कहा है, ये जनता ने योगी जी का लखनऊ से गोरखपुर का टिकट करा दिया है। चले लखनऊ से गोरखपुर का टिकट कटता है नहीं, लेकिन सबसे एक सवाल अब हम लास्ट में तो बोलेंगे नहीं,
ये जो आपने कहा ये सपा की स्क्रिप्ट थी या आपकी दिल की बात थी? उत्तर प्रदेश की जनता की दिल की बात है। चलिए लाइव भारत की लाइव तस्वीरें, सहमत इनसे आप? सहमत आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल सहमत है हम लोग। चलिए बिल्कुल सहमत है, हम लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे। कौन आएगा बाबा, योगी आएंगे या बाबा ही आना? बाबा ने आना है, अरे वाह क्या हाल है। बाबा आएंगे या अखिलेश? रोजगार मिल रहा है, पैसा मिल रहा है? बाबा है तो संसार है, बाबा नहीं तो कोई नहीं। क्या बात है, बाबा या साइकिल? आएंगे तो बाबा ही आएंगे। बाबा आएंगे बिल्कुल। कौन आएगा बाबा? क्यों आएंगे बाबा? बाबा ने कुछ किया ही नहीं। बाबा नहीं तो आए तो वो लोग तो कहेंगे ही। क्यों कहेंगे? काम बाबा ने किया, बाबा जी के अलावा काम किसने किया है? उत्तर प्रदेश का जिस हिसाब से विकास हुआ, जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश का वो किया, सिर्फ बाबा जी ने किया है। नहीं तो इनके में सिर्फ गुंडा राज, सिर्फ भ्रष्टाचार होता था। अब गुंडा राज नहीं है, कहाँ है गुंडे? हम इलाहाबाद से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे हमारे बहुत बड़े माफिया होकर आज उनका क्या हालत है सब देख रहे हैं, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। इलाहाबाद में विकास हुआ है? बिल्कुल हुआ है। तो इलाहाबाद में योगी योगी? बिल्कुल योगी योगी हैं। तो अगर लखनऊ की बात करें, सत्ता भी योगी के हाथ में? बिल्कुल योगी के हाथ में, योगी जी मुख्यमंत्री फिर से बनेंगे। साइकिल का मतलब? साइकिल साइकिल रहेंगे, सालों साल रहेंगे बाबा जी, सालों साल रहेंगे। चलिए तस्वीरें दिखाते हैं हम आपको, योगी या साइकिल? नो कमेंट। सरकारी आदमी? चलिए बेटा, योगी या साइकिल? योगी जी ने किया है, योगी जी ने रहेंगे, हमेशा रहेंगे, आज नहीं वो जन्मों जन्मों तक रहेंगे। अच्छा बड़ा काम किया? बिल्कुल किया। सपा वाले कह रहे कुछ नहीं किया? सपा कहे एक आदमी जो पार्टी एक हमारा दुश्मन होगा, एज ए पॉसिबल हम लेते हैं, आप हमारे दुश्मन है, हमेशा हमको नीचे गिराएंगे, ये कभी नहीं कहेंगे उसने बंदे ने बहुत ज्यादा काम किया है। ठीक है, वो चाहे अदर पार्टी भाजपा ने सपा को कहती, सपा भाजपा को कहती, बट हम एक इंसान है, हम जो देखते हैं वो हम बोलते हैं। लखनऊ का युद्ध क्या कहता है? लखनऊ का युद्ध योगी कहता है, मोदी जी कहता है। योगी मोदी लखनऊ का युद्ध, और ये तस्वीरें थी हम आपको दिखा रहे थे आज, और मिजाज जान रहे थे तो गोरखपुर से लोग थे, बरेली से थे, यूपी से, यू का पूरा यूपी लखनऊ में मिल गया, और हमने आपको लाइव तस्वीरें दिखाई। मेरे साथ थे मेरे सहयोगी कैलाश प्रजापति, और लखनऊ से हमारे प्रतिनिधि विशु तिवारी, और मैं आपका दोस्त सफर शुक्ला उर्फ लल्लू हिंदुस्तानी। आप देख रहे लाइव भारत, देखते रहे लाइव भारत। जय हिंद जय भारत।